तुम इस रिश्ते को पक्का करने से पहले मेरी एक शर्त है जो आपको मानना होगी। कौन सी शर्त? अरे आप परेशान ना हो, मैं कोई जहेज का तकाजा नहीं कर रही। वैसे भी हमारी हैसियत के मुताबिक तो आप जहेज दे भी नहीं सकेंगी। लेकिन मेरी एक बस छोटी सी शर्त है कि आपको नुमान और फायजा की खातिर ये इलाका और ये महल्ला छोड़ना होगा और डिफेंस में शिफ्ट हो जाइए। क्या? लेकिन आंटी ये मुमकिन नहीं है, वो एरिया हमारे लिए बहुत महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अरे बेटा, तो मेरे लिए भी इतना ही नामुमकिन था इस महल्ले में और इस इलाके में आना, लेकिन मैंने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है ना। तो मुझे यकीन है कि तुम लोग भी इस बात को मुमकिन बनाओगे अपनी बेटी की खातिर। वैसे आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगी। और हाँ, शादी हॉल भी मैं अपनी मर्जी से ही बुक करवाऊंगी। वैसे अब हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें। कुलसुम, आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? भाई देखिए, जिस तरह हमने अपने बेटे की खातिर इतना कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आप भी यकीनन अपनी बेटी की खातिर कॉम्प्रोमाइज तो करेंगी।